खोसा ने अपने करियर की शुरुआत भले ही हिंदी फिल्म से की हो, पर उन्हें हमेशा से लोगों की सेवा करने का मन रहा है। इसलिए वो पिछले 30 साल से कांग्रेस के साथ हैं और लोगों की हर जरूरत पर उनका साथ देते हैं। बलदेव खोसा वर्सोवा के MLA हैं और अपने एरिया के सभी जरूरत को पूरा करते हैं। बलदेव खोसा से जब पूछा गया कि मयंक गांधी ने जो राखी सावंत पर गलत शब्दों का उपयोग किया है, क्या ये सही है, तो उन्होंने बताया कि राखी सावंत उनकी बेटी जैसी है, वो उनका सम्मान करते हैं। मयंक गांधी को ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए था। बलदेव खोसा ने बताया कि गुरदास कामत एक ऐसे नेता है जो बहुत सारी सुविधाएं मुंबई के लोगों को दिए हैं। उन्होंने लोकल ट्रेन में बढ़ोतरी की है, मोनोरेल 2014 तक चालू कराए हैं, रोड की चौड़ाई बढ़ाई है। उनका मानना है कि गुरदास कामत से बेहतर कोई नहीं है। जब उनसे BJP और शिवसेना की बात की गई तो उन्होंने कुछ बोलने से मना कर दिया। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता अपनी कीमती वोट किसे देती है। हम तो कांग्रेस के लोग हैं, हमारे MP रहे हैं, हमारे लीडर हैं वो, हम तो, और जो उन्होंने यहाँ पर पिछले 5 साल काम किया है, एक्चुअली तो वो उनकी 5th term है, ये पिछली पाँच टर्म पूरी कर चुके हैं। पहले मैंने उनको हमेशा, मैं भी 20 साल से MLA हूँ, तो मैंने उनको देखा हुआ काम करते हुए वहाँ चेंबूर में भी, फिर वो यहाँ आए। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे यहाँ से वो इलेक्शन लड़े और जीते, और हम तो बहुत खुश हैं जो उन्होंने कोई कम से कम नहीं तो पिछले 5 सालों में वो 45-50 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट लाए यहाँ बॉम्बे में, जैसे कि एलिवेटेड ट्रेन है वेस्ट फ्राम वेस्टर्न रेलवे की, ऊपर सेंट्रल रेलवे की उन्होंने बहुत काम किए हैं, और जो मेट्रो जो है वो भी उन्होंने ही मुहूर्त किया था घाट को ऊपर से, अभी उन्हीं के यहाँ पर शुरू हो रही है। उनके सामने इस समय फिल्म के स्टार भी खड़े हैं, राकेश सावंत, महेश मांजरेकर, तो क्या कहना है आपका इस बारे में, क्या उन्हें टक्कर दे पाएंगे? देखिए, हम किसी दूसरे के बारे में बात नहीं करते। आप भी एक फिल्म में पहले काम कर चुके हैं, आपका क्या राय है? नहीं, मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ कि फिल्मी स्टार भी अगर आप इंडिया में निगाह मारो तो इलेक्शन हारे हैं, ये कोई कैटेगरी नहीं। एवरी इंडियन, एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री जिसकी यहाँ हिंदुस्तान में एलिजिबल है और वोट है, वो इलेक्शन लड़ सकता है, लड़ सकती है, वेलकम। हमने अपना काम करना है, हमने अपना काम क्या किया है, हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी पॉलिसीज क्या हैं, हम सेकुलरिज्म को आगे लेके चलते हैं, हमने सिर्फ अपना बात करनी है, हम किसी की नहीं करते। वरुण गांधी ने राखी सावंत को अभी कहा कि जो राखी सावंत, मयंक गांधी, हाँ, मयंक मारने के लिए वो उनको जो वोट देगा वो मजे मारने के लिए वोट देगा, क्या लगता है आपको ये कहीं ये जिनके बारे में है वही बात का जवाब देंगे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो लड़की है, हमारी छोटी बहनों की तरह है, और मयंक जी हैं वो हमारे भाई हैं, हम इस बात में कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि ये जिनके बारे में है ये उनसे पूछे तो ठीक रहेगा। आपके अपकमिंग प्लान क्या है इलाके में, क्या कुछ नया करना चाहते हैं? वो हमारा जो अपना कामत साहब ने जो अपना पर्चा भेजा है, घर घर में पहुंचा है, उसमें एवरीथिंग इज मेंशनड कि हम क्या करना चाहते हैं। हम काफ़ी काम, अभी मेरा ख्याल है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, हम अभी नहीं कुछ बोल सकते, पर हम अपने एरिया के लिए जो एक तो हमारा जो निकला है अपना जो हमारी पार्टी का घोषणा पत्र है उसके हिसाब से हम चलेंगे। गजानन कीर्तिकर जी इसमें बहुत प्रचार में लगे हुए हैं गुरदास कामत के सामने, तो उनके बारे में क्या कहना होगा? आपको क्या लग रहा है कि हम प्रचार में लगे हुए हैं कि नहीं? हमारा प्रचार कैसा चल रहा है? आपका अच्छा चल रहा है? बस हमारा प्रचार अच्छा चल रहा है, हम अपने प्रचार के बारे में जानते हैं, हम अपने प्रचार को देखते हैं कैसा चल रहा है, हम घर घर पहुंच रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। हमारी UPA सरकार ने 10 साल क्या किया, हमारी 15 साल से महाराष्ट्र की सरकार ने क्या क्या किया, वो जो हमारे काम है हम लोगों के लेके लोगों के सामने जा रहे हैं।